हेलो गाइस, तो पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि हार्ड डिस्क को कैसे बदलना है, और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वाईफाई कार्ड या ब्लूटूथ कार्ड बोलिए उसको कैसे बदलना है। मान लीजिए खराब हो गया है, काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दुकान से या ऑनलाइन करके आप खरीद के ले आइएगा, उसके बाद आपको बदलना हम सिखाएंगे यहाँ पे। आइए देखते हैं, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, खुद से घर बैठे कीजिएगा। घर में जो भी हथियार होगा, देखिए हथियार है, ये तो दुकान का हथियार है, घर का हथियार होता है ना, जैसे आपको हो गया चाकू, चाकू के नोक से भी ट्राई कीजिएगा तो खुल जाता है। एक बार ट्राई किए थे, कहिएगा तो हम ट्राई करके दिखाते हैं, अभी रुकिए। देखिए, मान लीजिए कि पेचकस आपके पास नहीं है, तो आप कैसे बनाइएगा, मतलब कैसे चेंज कीजिएगा। तो हम क्या किए, यहाँ पे घर से हथियार लाए, चाकू। देख रहा है आपको, देख रहा है कि नहीं, देख के हमको डर लग रहा है। सोचिए आपको देख के कितना डर होगा, ये चाकू से खुल जाएगा। आपको देख के डर लग रहा होगा, डरिए मत, लेकिन खुल जाता है। हम आपको दिखाते हैं कैसे खुलेगा, बस नोक से खोलना है। देखिए यहाँ पे है ना नट, बस इसमें सटाइए, आराम से खोलिए, खुल जाएगा। थोड़ा सा उंगली का यूज कीजिएगा ढंग से, आराम से खुल जाएगा। ढीला हो गया है, कर दिए है, देखिए यहाँ भी है, देखिए खुला कि नहीं, खुल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी ट्राई कीजिएगा, कोई दूसरा चाकू को होगा ना, वहीं से ट्राई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई ना कोई चाकू होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ भी है एक नट। चलिए कोशिश कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। चाकू दिख गया ना, हटा दे इसको, देख के डर लग रहा है कि भुका ना जाए। चलिए अब क्या कीजिए, आप आराम से उठा लीजिए इसको। चलिए हटा दिए, अब देखिए वाईफाई कार्ड यहाँ दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये तो आपको हो गया हार्ड डिस्क, पिछले वीडियो में बताए थे, और उससे पहले वाले वीडियो में आपको रैम के बारे में बताए थे कि रैम को कैसे बदलना है। रैम बदलने आ गया होगा, उसका हार्ड डिस्क बदलना भी सिखा दिए। अब आपको यहाँ है वाईफाई कार्ड, ब्लूटूथ कार्ड बोलिए, वाईफाई बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज है, दोनों एक ही में रहता है कनेक्टेड। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए काम नहीं करना है, कर रहा है, तो आपको तो सर ये खरीद के लाना पड़ेगा ना। हाँ, खरीद के लाना पड़ेगा, तो दुकान से खरीद के लाया तो ठीक है, तो सेम टू सेम इसको क्या करना है, खोल लेना है। बता देते कैसे निकलेगा, खोल लेने के बाद दुकान में लेके जाइएगा और उसको बोलिएगा तो दे देगा। लेकिन सर ऑनलाइन करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, कहीं से भी ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है FCC ID लिखा हुआ है। इस FCC ID को आपको क्या करना है, सर्च करना है फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे, जहाँ भी आपको खरीदना है वहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद मिल जाएगा आपको, सेम टू सेम मंगा के रखिएगा। चलिए अब देखते हैं, अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे दो पिन है, बस इसी दोनों पिन को सही से निकालना है, और उसमें जो लगाइएगा तो सही से लगाइएगा, टूट जाएगा तो फिर से आपको दिक्कत हो जाएगा, फिर से खरीदना पड़ेगा ना, पैसा ज्यादा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा नीचे में यहाँ पे थोड़ा सा उंगली से थोड़ा प्रेस करके आराम से निकालना है, निकल जाता है आराम से, बर्दाश्त करके जब आपको लगेगा निकल रहा है तो निकाल, देखिए निकल गया कि निकल गया। ऐसे एक और पिन है यहाँ पे, इसको भी आराम से थोड़ा सा नीचे से या थोड़ा सा उंगली ऊपर से रख के चाप करके प्रेस करके निकालिएगा आराम से, देखिए निकल गया। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए नट दिया हुआ है, कहीं कहीं नहीं भी दिया रहता है, तो इसको भी खोल लीजिए आराम से, देखिए आराम से खोल लेते हैं। सोचिएगा सर चाकू कहाँ है, यह दिखाइए, देखिए 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 चाकू भी है, घबराइए मत, चाकू से भी खोल सकते हैं, देखिए खुल गया। चलिए उसके बाद क्या करना है, नट को खींच लीजिए बाहर, हो गया ढीला ऐसे। अब जैसे हार्ड डिस्क को ऐसे खींचे थे ना बाहर, इसको इधर खींच लेना आराम से, लेकिन नट निकल जाता है आराम से, अब खिंचा जाएगा ऐसे, देखते हैं नहीं खिंचा रहा क्या। चलिए नट निकालते हैं पहले आराम से, नट निकाल लीजिए आराम से, पूरा ढीला हो गया ना, देखिए आराम से नट निकल गया, आराम से फेंक दिया ऊपर, बस खींच लीजिए, खींच के निकालिए। देखिए यही आपका वाईफाई कार्ड बोलिए या ब्लूटूथ कार्ड बोलिए, ठीक है ना। देखिए इधर दिखाते आपको कैसा होता है, नट कहाँ गया, यहाँ नट है, नट सही से रखिएगा। देखिए इस पर भी बहुत सारा चीज़ लिखा रहता है, ब्लूटूथ के बारे में लिखा रहता है, घबराने जो होती है, कुछ भी लिखा रहता है छोड़ दीजिए उसको, कुछ भी है। चलिए अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आप नया खरीद के ले आया है, दूसरा मान लीजिए, तो आपको लगाना है ना, तो बस ऐसे ही डिवाइस आएगा आपका, बस इसको आप क्या करना है, जैसे खोले वैसे ही कस देना है। देखिए बस यहाँ पर डालिए जो जम्पर था, आराम से थोड़ा सा हल्का सा प्यार से प्रेस कर देना है, जो नट था नट को आराम से यहाँ पे डाल देना है और टाइट कर देना है। देखिए दिखा देते हैं, नट गिर जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से सटा करके आराम से पिचकस से, नट भाग रहा है थोड़ा सा, भागने दीजिए, दिखाते आराम से, चलिए आराम से हो गया, बस टाइट कर दीजिए, टाइट हो गया। अब बस जैसे आराम से निकाले थे बस रख करके थोड़ा सा उंगली से चाप दीजिए आराम से, अंदर
जो हो गया है, बस हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तो वाईफाई कार्ड को आराम से बदल सकते हैं खुद से घर बैठे। कोशिश कीजिएगा, अगर खुद का लैपटॉप है या खराब हो गया, नहीं काम कर रहा है, मंगा के खुद से चेक कीजिएगा, ताकि सीखिएगा भी तो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू सो मच।